गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में हमारा सेकंड लेसन आज स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन के यूनिट का, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलो आज हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, इस लेसन से अबाउट मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज रहेंगे। कितने? तो 2 क्वेश्चंस। किसमें? तो नीट में आप मान के चलिए जनरली 3 क्वेश्चन भी हो सकता है या मिनिमम 2 क्वेश्चन रहेंगे इससे। अब चलो देखते हैं हम लोग इस लेसन को। तो जब भी बेटा हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो अब आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, ओके, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब किसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यानी यहाँ से अगर लेंगे तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओके। आइए देखिए, अब बात करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ था बिटवीन द क्रिटेशियस एंड जुरैसिक पीरियड में। ये सब पीरियड है, इवोल्यूशन में आपको आएगा, तो बहुत समय पहले। तो यानी एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट्स बिटवीन क्रिटेशियस एंड जुरैसिक पीरियड। क्रिटेशियस एंड जुरैसिक पीरियड, इन दो पीरियड के बीच में ये ओरिजिनेट हुआ था। कौन? एंजियोस्पर्म। अब उसके बाद देखो कि एंजियोस्पर्म का हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, और फ्लावर जो होते हैं तो इसके बारे में यानी कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है C.W. Wolf, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ना होता है वो एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं। सेकंड, डॉक्टर पी महेश्वरी। तो पी महेश्वरी जो हैं वह हैं, ही इज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। ही इज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट, तो ये फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी हैं, जैसे ये फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है यानी पूरे वर्ल्ड के लिए है। सबसे पहले इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे यानी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया। तो एक जनरल वे में इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कब बनेगा? जब दो गैमेट का फ्यूजन होकर के जाइगोट बनेंगे और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेंगे। एम्ब्रियो इज द मल्टी सेलुलर स्टेज, जाइगोट इज द यूनिसेलुलर स्टेज। तो जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बनने के प्रोसेस को और उसी की स्टडी को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखो कि जो एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है थ्रू फ्लावर। तो
एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो कहाँ डेवलप होते हैं? फ्लावर में। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करता है वो? तो फ्लावर के थ्रू करता है। तो फिर बेटा बात आती है कि फ्लावर है क्या, ठीक है, मॉर्फो में फिर थोड़ा सा ये आया होगा। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ये सूट है, एक मॉडिफाइड फॉर्म का सूट है। अब ये सूट में जो है वो होता क्या है? तो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं इंटरनली, जिसके वजह से ये जो मॉडिफाइड सूट है वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है। तो जब भी हम अगर ऐसा लेंगे तो क्या करेंगे? तो देखो ये जो है वो सूट है, सूट एपिसेज, यानी सूट का सबसे लास्ट वाला पार्ट, दैट इज द सूट एपिसेज। सूट एपिसेज चेंज होगा फ्लोरल प्राइमोडिया में। किसमें? फ्लोरल प्राइमोडिया। फ्लोरल प्राइमोडिया में चेंजेज आएगा और ये कन्वर्ट होगा फ्लोरल बर्ड में। और इसी फ्लोरल बर्ड में एक प्रोसेस होता है एंथेसिस, यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन द फ्लोरल बर्ड। तो ये एंथेसिस का मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेज, और तब फाइनल क्या बन जाता है इससे? ये बेटा फ्लावर बन गया। तो एंथेसिस तो किसी ना किसी सूट का जो एपिसेज पार्ट है, सबसे लास्ट का किनारे का जो एपिसेज पार्ट है, वही जो होता है वह है सूट एपिसेज से फ्लोरल प्राइमोडिया, फ्लोरल बर्ड, और फिर लास्ट में फ्लावर बन गया। अब यहां तक देखो फ्लावर तो बन गया, तो अब फ्लावर में क्या क्या होते हैं वो चीज देखेंगे। अब देखो बेटा एक फ्लावर की अगर बात करें हम लोग, फ्लावर तो समझ गया कि एक मॉडिफाइड सूट है, ठीक। तो फ्लावर में है क्या? ये एक फ्लावर है अगर, तो एक फ्लावर, फ्लावर इज द वर्ल ऑफ फोर एसेसरी ऑर्गन या फोर डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। फ्लावर इज द वर्ल, इट इज द वर्ल ऑफ, तो ये वर्ल है यानी गुच्छा है। वर्ल का मतलब गुच्छा। तो किसके किसके गुच्छे हैं इसमें? एक हो गया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब देखो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये चार अलग अलग टाइप के ऑर्गन हैं। किसमें? फ्लावर में बेटा। अब कैलिक्स, कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स का यूनिट जो होता है, ये यूनिट इसका होता है, कैलिक्स का यूनिट, इसका यूनिट उसको बोलते हैं हम लोग सेपल्स। कोरोला का यूनिट उसको बोलते हैं पेटल्स। एंड्रोसियम का यूनिट इसको बोलते हैं एस्टामिन, और गाइनोसियम का यूनिट इसको बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। यानी एक फ्लावर के जितने भी सेपल्स होंगे उन सभी पे सेपल्स को मिला करके बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। उसके बाद में कोरोला। तो एक फ्लावर पे जितने भी पेटल्स हैं, पेटल्स का मतलब समझते हो, जो फ्लावर का जो कलरफुल लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है, डेट इज द पेटल्स, जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट वगैरह को, तो वो हो गया पेटल्स। सारे स्टामिन्स को मिला करके एंड्रोसियम, और सारे कार्पेल या पिस्टिल को मिला करके गाइनोसियम। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ल, यानी द वर्ल ऑफ सेपल्स, पेटल, स्टामिन्स एंड पिस्टिल्स आर
कॉल फ्लावर, तो इसलिए फ्लावर पे ये चार अलग अलग के वर्ल हैं। अब देखो इसमें से ये जो दोनों पार्ट हैं सेपल्स एंड पेटल्स, ये दोनों स्टेराइल होते हैं। ये क्या है बेटा, दिस इज द स्टेराइल, शायद नहीं दिखाई दे, इसको ब्लैक से लिखता हूँ मैं। ये दोनों पार्ट जो हैं वह स्टेराइल हैं और इसीलिए इनको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। और ये दोनों पार्ट जो हैं ये कैसे हैं, फर्टाइल हैं। और ये जो है मेन, तो ये हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुए। अब इन्हीं के बारे में हमें, तो ये दोनों पार्ट जो कैलेक्स एंड कोरोला हैं वो आपको मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। अब हम यहाँ पे चूंकि रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेके चलेंगे, ठीक। अब आइए सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं एक स्टैमेंस को, किसको, स्टैमेन। स्टैमेन को ही हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, स्टैमेंस को माइक्रो स्पोरोफिल। लेकिन उसके पहले एक हमें डायग्राम भी फ्लावर का बना लेना चाहिए ताकि हम उस आपको आसानी से दिखा सकें कि उसमें कौन कौन से पार्ट स्टैमेन हैं और कौन से ये हैं। ओके, तब हम लोग हेडिंग देंगे माइक्रो स्पोरोफिल। चलिए एक डायग्राम को लेके बनाते हैं हम लोग।
Yes, this is the anther filament or stigma style and ovary petal sepal thalamus. समझ गए? तो ये देखो, ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में दिस इज द स्टिग्मा वाला पार्ट है ये, और एक स्टिग्मा यहाँ पर है, और ये बहुत सारे जो हैं उसमें एंथर और फिलामेंट यानी स्टामिन्स जो है निकले हुए हैं। तो ये जो पार्ट एंथर और फिलामेंट मिला करके ये पूरा पार्ट हुआ जो वो कहलाया स्टामिन, ठीक है। और स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी ये तीनों पार्ट मिला करके कहलाता है आपका कार्पेल या पिस्टिल। तो ये अभी आगे की बातें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ये डायग्राम बन गया होगा अगर आपका, तो अब चलिए आगे हम लोग हेडिंग देते हैं स्टामिन्स। अब स्टामिन के बारे में हमें जानना है, नाउ स्टामिन स्टामिन अब हम लोग हेडिंग देंगे और तब उसके बारे में डिस्कस करें क्या है स्टामिन। चलिए, स्टामिन को ही हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। तो बेटा आप चलिए हेडिंग देंगे स्टामिन। स्टामिन को हम लोग माइक्रो स्पोरोफिल, स्टामिन इज द माइक्रो स्पोरोफिल है। अब स्टामिन के बाद में चलिए, ये माइक्रो स्पोरोफिल है। एक स्टामिन के दो पार्ट होते हैं, स्टामिन हैज टू पार्ट, ठीक है। तो स्टामिन के दो पार्ट हैं बेटा, कौन कौन से? एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? तो फिलामेंट और दूसरा पार्ट जो है वह है एंथर। ऐसे पहले एंथर लिखते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर। तो एंथर जो है वह एक बाइलोबल स्ट्रक्चर होता है। एंथर इज द बाइलोब, बाइलोब फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टामिन। एंड फिलामेंट सेकेंड पार्ट जो है इसका, दो पार्ट यहाँ पर इसलिए हेडिंग दिए स्टामिन। स्टामिन का मतलब माइक्रोस्पोरोफिल, और एक स्टामिन के दो पार्ट हैं एंथर एंड फिलामेंट। ये पूरा बात आपको सीक्वेंस में याद रख के चलना पड़ेगा। अब स्टामिन्स की अगर बात करते हैं तो स्टामिन जो है वह एक प्रॉक्सिमल एंड है जो अटैच होता है एक तरफ थैलमस से और दूसरी तरफ किससे? तो दूसरी तरफ एंथर से। यह एक प्रॉक्सिमल एंड है जो किसको कनेक्ट करता है? तो बेटा ये कनेक्ट करता है एंथर को किससे? एक तरफ ये एंथर को कनेक्ट करेगा किससे? तो ये थैलमस से। और बीच वाला जो पार्ट होता है वही कहलाता है आपका फिलामेंट, ओके। तो इट इज लॉन्ग सिलेंडर स्टॉल्क, एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉल्क है, प्रॉक्सिमल एंड कनेक्ट विथ थैलमस, कनेक्ट विथ हिमल इन कनेक्ट विथ थैलमस और पेटल ऑफ फ्लावर।
तो ये एक लॉन्ग सिलेंडर का स्ट्रोक है जो कनेक्ट होता है किससे, तो ये कनेक्ट होता है आपके पेटल से और फ्लावर से, ठीक है। अब चलो एक हेडिंग देना है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का हेडिंग देंगे हम लोग, और उसमें हम लोग पूरा देखेंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है, कैसे एंथर बनता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, पहले एक एंथर का, ये एक एंथर और ये जो हुआ वह फिलामेंट है, ये एक एंथर है ऊपर का पार्ट एंड दिस इज द फिलामेंट। अब आइए चलिए एक पार्टिकुलर एंथर का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
इनका कलर चेंज करता हूँ तो शायद आपको थोड़ा सही से दिखाई देगा। ये चार लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4। अभी आगे ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, यानी 1 2 3 4 इस तरह से, और बीच में ये एक तरह से ग्रुप्स हैं, और इनके बीच में ये जो एक लेयर है ये पैरेन्काइमा का बना होता है। ये सारी बातें अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दिस इज द एंथर और ये इसका फिलामेंट है, और ये फिलामेंट आगे जा करके नीचे यानी प्लांट के थैलमस के पार्ट से या पेटल के साथ ये ज्वाइन रहता है। तो अब हमारा जो हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हम लोग ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए पहले अगर ये डायग्राम अगर आपका अच्छे से हो जाता है तब इसके आगे जो है वो हम लोग लिखने का काम करेंगे कि आखिर क्या है ये एंथर। तो जो एंथर में मेन जो पार्ट है, तो एंथर हमने आपको बताया कि एंथर एक बाइलोब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। यानी एंथर क्या है, तो पहले एक शॉर्ट में आप इस तरह से कर लेंगे, फिर पूरा डिटेल आपको हम कराते हैं। देखिए, एक एंथर में दो लोब होते हैं, 1 and 2 लोब। ये थ्री डायमेंशनल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो एक एंथर में, एंथर इज ए बाइलोब स्ट्रक्चर। एंथर में क्या है, एक एंथर है बेटा, और इस एक एंथर में टू लोब हैं, 1 and 2 लोब्स। ठीक, यानी एक इधर का लोब, एक इधर का लोब्स, ठीक है। एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर, एंड ईच लोब्स हैज टू चैम्बर। तो टोटल कितने हो गए, एक लोब में दो चैम्बर और टोटल दो लोब हैं, यानी टोटल कितने हो गए, तो टोटल बेटा 4 चैम्बर आ गए। और इसी चैम्बर में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं पॉलन सैक, और यही पॉलन सैक, यानी इसी को दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। दूसरा नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको पूरी बात सीक्वेंस में लेकर के चलना है, तो आप ये बात पूरा ध्यान से रख करके चलेंगे। कैसे भाई, तो एक फ्लावर, फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम, एक एंड्रोसियम में बहुत सारे स्टामेन होते हैं, एक स्टामेन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट, और इस एक एंथर में दो लोब होता है और एक लोब में दो चैम्बर होता है, इसीलिए टोटल एक एंथर में 4 चैम्बर आते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि एक फ्लावर में कितने एंथर हैं, तो भाई जितने स्टामेन होंगे उतने एंथर होंगे, और सारे स्टामिन को मिला करके हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। तो यहाँ पर अभी इसके पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था, देखे थे बहुत सारे स्टामिन हमने निकाले थे, तो एक फ्लावर में बहुत सारे स्टामिन हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए एंथर को हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी 4 स्पोरेंजिया होता है जनरली एक फ्लावर में। तो आपको ध्यान रखने के लिए, समझने के लिए, आप पहले इन शॉर्ट एक ब्रैकेट में इस तरह से कर लीजिए। क्या बोला, फ्लावर, फ्लावर के अंदर क्या है भाई, एंड्रोसियम। फ्लावर के अंदर क्या है, एक एंड्रोसियम में मेनी एस्टामिन, और एक एस्टामिन में दो पार्ट, क्या क्या, एंथर और ईच एस्टामिन, और ईच एस्टामिन में क्या है, एक एस्टामिन में
एक एंथर होगा और एक फिलामेंट, और हर एक एंथर में क्या होंगे, टू लोब, और हर एक लोब में ईच लोब क्या होगा, टू चैम्बर, दो चैम्बर होंगे, तो टोटल तो वन एंथर यानी टोटल फोर चैम्बर, और फोर चैम्बर का मतलब यानी फोर पॉलेन सैक या टेट्रा एस्पोरेंजिएट, चार एस्पोरेंजिया होते हैं, पॉलेन सैक को ही एस्पोरेंजियम बोलते हैं, तो टोटल चार पॉलेन सैक इसलिए टेट्रा एस्पोरेंजियम या टेट्रा एस्पोरेंजिएट, आप समझ गए। तो ये एक बात को एक छोटे से ब्रैकेट में पहले कर लीजिए और तब इसके आगे की बातों को लिखने का काम करेंगे, इतना समझ गए। अब चलिए, तो एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो एंथर क्या बोले हम कि एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एंथर की, एंथर क्या है, एंथर ठीक है, एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर, ईच लोब हैज टू चैम्बर, हर एक लोब में क्या है, दो चैम्बर हैं, ओके, ईच लोब हैज टू चैम्बर, दस एंथर इज ईच लोब हैज टू चैम्बर एंड ईच चैम्बर ईच चैम्बर हैज पॉलेन सैक और माइक्रो एस्पोरेंजियम, और हर एक चैम्बर में क्या है, ईच चैम्बर एंड ईच चैम्बर हैज, ऊपर लिखता हूँ हैज, ईच चैम्बर हैज पॉलेन सैक एंड माइक्रो एस्पोरेंजियम, दस एंथर इज टेट्रा दस एंथर इज टेट्रा एस्पोरेंजिएट, एंथर जो है वो क्या है, तो एंथर इज टेट्रा एस्पोरेंजिएट है, तो यानी एक एंथर में चार एस्पोरेंजियम है। अब देखो जो एस्पोरेंजियम यानी माइक्रो एस्पोरेंजियम उसको जो बोलते हैं, तो माइक्रो एस्पोरेंजियम आर लाइज एट द कॉर्नर ऑफ एंथर, वो चार चैम्बर होते हैं और उसके कॉर्नर पे ये होते हैं, माइक्रो एस्पोरेंजियम इज लाई एट द कॉर्नर। अब किसी किसी प्लांट में सिंगल भी होता है, जैसे वॉल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अगर आपको याद होगा तो वॉल्फिया एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का लगभग होता है वो, और उसमें एक ही एस्पोरेंजिया, चार एस्पोरेंजिया नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आप याद करने के लिए ये भी कर सकते हैं, रेयरली वन एस्पोरेंजियम, और एग्जाम्पल वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में से एक है, ठीक है। अब माइक्रो एस्पोरेंजियम इज लाइज एट द कॉर्नर ऑफ
anther. Microsporangium is lies at the corner of anther. 2 micro sporangia runs parallel to each other. अब दो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो रन एट द पैरेलल ऑफ ईच अदर. अभी वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था हमने ऐसे करके, फिर ठीक है, और फिर ऐसे दिया और इसको ऐसे और ऐसे, तो रन एट द पैरेलल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलली रन करते हैं. अब दो एस्पोरेंजिया जो है वो सेपरेट कैसे होता है? तो दो एस्पोरेंजिया जो है वो सेपरेट होता है एक लेयर से, थेका से, इसीलिए एंथर इज डाइथेकस स्ट्रक्चर है. तो लिखते हैं एंथर इज डाइथेकस स्ट्रक्चर. अब एंथर ये तो बात हो गई, इसको अब टू एंथर्स आर या टू माइक्रो एस्पोरेंजियम, सॉरी एंथर नहीं, टू यहां पे डाइथेकस लिखे इसलिए समझा रहे हैं कि टू माइक्रो एस्पोरेंजियम आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाई ए ग्रुप्स आउटसाइड, बाहर से एक ग्रुप्स होते हैं, एंड स्टेराइल एंड ए स्ट्रिप्स ऑफ एंड ए स्ट्रिप ऑफ स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू. यानी कि दो के बीच में एक स्ट्रिप्स ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है इनसाइड टिश्यू. अंदर से उनको सेपरेट करने के लिए पैरेन्काइमा का टिश्यू होता है और बाहर से उनको सेपरेट करने के लिए ग्रुप्स होते हैं. ग्रुप्स का मतलब धसाओ, अंदर की ओर कुछ कटाओ. तो बाहर से एक ग्रुप्स होता है और अंदर से दोनों के बीच में एक पैरेन्काइमा का टिश्यू लेयर होता है. इसी वजह से इसको कहते हैं डाइथेकस. दो थेका, दो लोब है, दोनों लिप कैसे सेपरेट है, तो थेका से, और हर एक लोब में दो चैम्बर बना हुआ है. अब यहां तक की बात समझ गए बेटा? देखो एक्चुअल में एंथर जो डेवलप होते हैं, यानी एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया डैट मीन्स पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक ही जो है वो फ्यूचर का माइक्रोस्पोरेंजिया है. ओके, और यही मेन फर्टाइल पार्ट होता है, यानी यही मेन रूप से रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट होता है. अभी देखते हैं. तो जो हाइपोडर्मली एंथर होते हैं, एंथर का हाइपोडर्मल पार्ट, ठीक, उनमें आर्कियोस्पोरियल सेल होता है. अगर हम लोग कहें तो इसको अगर कैसे हुआ है, तो देखो आर्की एस्पोरियल सेल किसका, ऑफ एंथर. तो ये आर्की एस्पोरियल सेल क्या है भाई? हाइपोडर्मली एंथर. अब आप जानते होंगे हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस, इपिडर्मिस, ये सारा पार्ट आता है. इपिडर्मिस के बाद में आता है हाइपोडर्मिस. तो जो हाइपोडर्मल सेल हैं उनका एक स्पेशल सेल होता है जिसको आर्कियोस्पोरियल सेल कहते हैं. ये आर्कियोस्पोरियल सेल डिवाइड करता है पेरिकिनली, डिवाइड अब आप सोचेंगे सर पेरिक्लिनल, एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन आपको पढ़ाया हुआ है, रिवीजन करेंगे आज सभी लोग. क्या क्या? पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, एंटीक्लिनल. तो पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन सभी लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, दिस इज द होमवर्क टुडे इवनिंग.
कि क्या होता है पेरिक्लिनल डिवीजन और क्या होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। तो यहाँ पर जो आर्कियोस्पोरियल सेल है डिवाइड पेरिक्लिनली, तो ये दो तरह के सेल में बट जाता है जब डिवाइड करता है। तो एक आउटर होता है आउटर पेराइटल सेल और इनर एस्पोरोजिनस सेल। क्या होगा? आउटर पेराइटल सेल एंड इनर एस्पोरोजिनस सेल। अब ये आउटर पेराइटल सेल जो है बेटा, ये जो है माइक्रोएस्पोरेंजियल वॉल बनाता है। तो ये माइक्रोएस्पोरेंजिया भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो माइक्रोएस्पोरेंजिया के चार वॉल होते हैं, उसमें से ये इंपॉर्टेंट तीन वॉल को डेवलप करता है। तो ये क्या बनाता है? डिवाइड टू फॉर्म पेराइटल सेल। ये क्या करता है? डिवाइड टू फॉर्म माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल। और वो माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल कौन कौन सा वॉल ये बनाता है? तो एक होता है मिडिल लेयर, एंडोडर्मिस और टैपेटम। तो ये तीन लेयर को ये बनाता है माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल। कितना? तो ये लगभग 1 से 5 लेयर का वॉल बना देता है। अब वो कौन कौन वॉल होंगे? एंडोडर्मिस। कौन सा वॉल? एंडोडर्मिस। दूसरा मिडिल लेयर और तीसरा टैपेटम। समझ में आई बात? कौन कौन सा वॉल? एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपेटम के वॉल को बनाने का काम पेराइटल सेल करता है। अब आप सोचेंगे सर एस्पोरोजिनस सेल क्या काम करता है? यही तो मेन काम करता है, जो पॉलन ग्रेन बनता है इसी एस्पोरोजिनस सेल से बनता है। तो ये अभी हम लोग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। कौन सा टर्म? माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस, ये अभी हम लोग आगे करेंगे। ओके, तो पहले ये इतनी चीज़ों को देख लिया। अब इसी के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम देता हूँ, जो 4 माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल होता है उसका। अब आपको हेडिंग देना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजियम। चलेंगे अब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग यहाँ।
ये डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, अभी आपको मैंने बताया था कि दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और ये आउटर जो हो गया, ये हो गया एपिडर्मिस, सेकेंड जो होगा लेयर वो होगा एंडोथेसियम, एंडोथेसियम यहाँ पर मैंने एंडोडर्मिस लिखा है, एंडोडर्मिस की जगह पे आप इसको समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह इसको एंडोथेसियम ही बोलता है, तो इसीलिए आप इसको कन्फ्यूजन हो तो आप एंडोथेसियम कर सकते हैं। इपीडर्मिस के अंदर वाला एंडोडर्मिस ही है, ठीक है, तो इसीलिए एंडोथेसियम लिखता है, लेकिन अब मैक्सिमम जगह एंडोथेसियम रहते हैं। दिस इज द एंडोथेसियम, और ये जो आउटर पार्ट हुआ, फिर ये हो गया टैपेटम, और ये पार्ट हो गया मिडिल लेयर, और ये जो हुआ मेन रूप से एस्पोरोजिनस सेल। अभी आपको बताया, देखो यहाँ पर जो पेराइटल सेल है वही बनाता है एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। अब आप सोचो इपीडर्मिस, इपीडर्मिस चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए कॉमन लेयर होता है, तो इपीडर्मिस कवर दी ऑल माइक्रोस्पोरेंजिया। वो यहाँ पे ये सेपरेट करने का काम नहीं करता इपीडर्मिस, ये चारों के लिए कॉमन सेपरेट है, चारों को कवर करता है, ये अलग के लिए नहीं है। अब यहाँ पर आइए, तो ये हो गया एस्पोरोजिनस टिश्यू या एस्पोरोजिनस सेल। अब इसी का एक स्ट्रक्चर, यानी ये जो लेयर है, इसी लेयर का एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे और डिटेल देख लेते हैं। समझ में आई बात?
अब आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बेटा, तो क्या बोला था मैंने कि आर्की एस्पोरियल सेल ऑफ द एंथर, एंथर में आर्की एस्पोरियल सेल होता है जो डिवाइड करके दो अलग अलग लेयर बनाता है, आउटर वाला पेराइटल सेल और इनर वाला एस्पोरोजिनस सेल। ये जो एस्पोरोजिनस सेल है यही पॉलन ग्रेन को बनाता है। तो आगे पॉलन ग्रेन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो ये जो चार लेयर है जिसे जो पेराइटल लेयर है, पेराइटल सेल जो है यही कहलाता है माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजियल में ये माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल, दिस इज द आउटर वाला पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। दिस इज द एपिडर्मिस, और ये एंडोथेसियम, और ये जो है ये मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर दो से तीन लेयर का होता है, 2 to 3 मिडिल लेयर। एंड ये जो पार्ट है, ये जो लेयर है, इसको कहते हैं बेटा टैपेटम। टैपेटम का रोल अभी बहुत अच्छा है, आगे बहुत बड़ा है। और ये जो पार्ट हुआ, दिस इज द एस्पोरोजिनस सेल, ये जो हुआ वह एस्पोरोजिनस सेल है। अब यही एस्पोरोजिनस सेल आगे जाकर के क्या काम करता है ये पूरा हम लोग देखेंगे। तो पहली बात तो ये जो माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल है इनका पूरा रोल थोड़ा देख लेंगे हम लोग। माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल, ठीक है। अब माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल को अगर देखें तो 4 वॉल है माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल में। एक है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज कॉमन फॉर दी ऑल, ये चारों जो है, चारों माइक्रो एस्पोरेंजियम को कॉमनली जो है वह कवर करता है। कौन? तो माइक्रो एस्पोरेंजियल वॉल यानी एपिडर्मिस बेटा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। तो ये जो है वह सभी को कॉमनली जो है वह एक कवर करके रखने का काम करता है। ओके, तो ऑल माइक्रो एस्पोरेंजिया आर कवर्ड बाई ए कॉमन कॉमन एपिडर्मिस ऑफ एंथर। और ये एपिडर्मिस जो है वह पेराइटल सेल से ओरिजिनेट होकर के नहीं आता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी ये, अब आइए दूसरा है एंडोथेसियम। एंडोथेसियम कहाँ है? जस्ट इनसाइड दी, यानी किसके अंदर? तो ये उसके अंदर है। किसके अंदर कहेंगे? तो ये एपिडर्मिस के अंदर में है। ओके, तो तीसरा लेयर कौन सा है? तीसरा लेयर होता है मिडिल लेयर, और चौथा लेयर है टैपेटम। अब इस एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आउटर थ्री लेयर आर फॉर द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन, एंड टैपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन का मतलब ये जो एस्पोरोजिनस सेल है, इस एस्पोरोजिनस सेल में डिवीजन होगा और वो पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो उसके डेवलपमेंट एंड डिवीजन के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, दैट न्यूट्रिशन आर प्रोवाइडेड बाय द टैपेटम। वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो उसको टैपेटम प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा ध्यान में हम लोग को रख के चलना, इससे बहुत क्वेश्चन रहते हैं किससे, तो ये टैपेटम के बारे में। तो टैपेटम का आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। ओके, अब चलिए, तो चलिए यहाँ पर इंडोथेसियम, तो इंडोथेसियम जो है वह अल्फा
सेलुलोज फाइब्रस बैंड हैं, फाइब्रस बैंड अराइजिंग फ्रॉम टेंजेंशियल वॉल, अराइजिंग फ्रॉम टेंजेंशियल वॉल। नेक्स्ट में मिडिल लेयर्स इट इज 1-3 लेयर एंड इट डिजेनरेट एट मैच्योरिटी। तो जब मैच्योरिटी आती है तो ये डिजेनरेट भी कर जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टैपेटम का, तो पहले ये भी लिख देता हूँ नोट में, आउटर थ्री लेयर आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अब टैपेटम तो एक एंडोडर्मिस वन, ये टू, और एंडोथेसियम ये वन, ये टू एंड दिस इज थ्री, और टैपेटम जो होगा वो फोर बेटा। तो टैपेटम का काम क्या है मैंने बताया था, तो टैपेटम के पास टू टाइप्स के सेल हैं, अभी आगे ऊपर लिखेंगे। ये अगर बन गया पहले फंक्शन एक यहां पे कर देता हूं, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन। अब इसके टैपेटम के बारे में अभी और भी बातें हैं। तो टैपेटम के पास टू टाइप के सेल हैं, यहां पर दिस इज द टैपेटम। अब टैपेटम के पास टू टाइप के सेल हैं, एक एमीबॉइड और दूसरा सेक्रेटरी सेल होता है। देखिए इसमें नाम क्या है, टू टाइप सेल, एक एमीबॉइड सेल या एमीबॉइड टैपेटम भी बोलते हैं, और दूसरा है सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टैपेटम। सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टैपेटम। अब अगर सेक्रेटरी की बात करें फर्स्ट में, सेक्रेटरी टैपेटम का काम क्या है, तो सिक्रेशन का काम है इसका मेन रूप से। सिक्रेट्स एस्पोरो पॉलेनिन, अभी एस्पोरो पॉलेनिन इज द मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड। एस्पोरो पॉलेनिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता है। अब पॉलन ग्रेन में इसका रोल हम लोग देखेंगे, तो जो पॉलन ग्रेन का जो लेयर होता है वो एस्पोरो पॉलेनिन का बनाता होता है, और वही एस्पोरो पॉलेनिन को कौन बनाता है, तो टैपेटम बनाता है। तो सिक्रेट एस्पोरो पॉलेनिन, पॉलन किट, पॉलन किट कॉम्पैटिबिलिटी
protein. This cell provide UV's body. सब बताऊंगा अभी. These cell provide UV's body. UBISCH. UV's body. Which help in ornamental of exine. Which help in mental of exine. Which help in ornamental of exine. Next, amoeboid. Amoeboid tapetum. Cells undergo division and their entire protoplasm move towards center. Entire protoplasm moves towards center and nourish to एस्पोरोजिनस सेल. और ये किसको नरिश करेगा? तो एस्पोरोजिनस सेल को. अब देखो बेटा, ये सारी बातें हो गई. अब आपको फिर से मैं यहाँ पर दो तीन बातें ये कर देता हूँ. ये सीक्वेंस में समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप समझे कि ये कहाँ से क्या आ गया. तो फिर से कह रहा हूँ मैं कि क्या देखे थे हम लोग, क्या स्टार्ट किए थे. फ्लावर, फ्लावर में क्या आया था? तो अभी फ्लावर में हम लोग स्टार्ट किए थे एस्टामिन. और एस्टामिन में क्या आया था? एस्टामिन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. तब हम लोग स्टार्ट किए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर हम जानते हैं कि एंथर में चार क्या होते हैं, चैम्बर होता है. और उसी चैम्बर के अंदर बनता है माइक्रो एस्पोरेंजियम, या उसी को कहते हैं पॉलेन सैक. यानी कि पॉलेन सैक ही आगे जाके क्या है, ये माइक्रो एस्पोरेंजियम. और इस माइक्रो एस्पोरेंजियम में, माइक्रो एस्पोरेंजियम का जो वॉल है, इसमें फोर वॉल हैं. और इसी चार वॉल यानी माइक्रो एस्पोरेंजियम जो बना हुआ है, उसमें चार लेयर हैं. ये समझो कि माइक्रो एस्पोरेंजियम है. और इस माइक्रो एस्पोरेंजियम के चारों तरफ क्या है, तो चार लेयर हैं. यानी ये जो बना हुआ है, ये चार दीवार से घिरा हुआ है. एक, दो, तीन, और समझ लो ये चौथा दीवार है. इसी का एक का नाम दे दिया एपिडर्मिस, दूसरे का नाम दिया एंडोथेसियम, तीसरे का नाम दिया मिडिल लेयर, और चौथे का नाम है टैपेटम. तो यहाँ पर ये वही चारों दीवार के नाम हैं. और तब इस चौथे दीवार के अंदर में एक सेल है जिसका नाम है एस्पोरोजिनस सेल या एस्पोरोजिनस टिश्यू, जो डिवाइड करके पॉलन ग्रेन को बनाएगा. यहाँ तक की बातें आपको ध्यान में रखनी है. तो यही जो चारों लेयर हैं, वो चारों लेयर कौन कौन से, तो एक हो गया एपिडर्मिस, दूसरा लेयर है एंडोथेसियम, और तीसरा लेयर है मिडिल लेयर, और चौथा लेयर है आपका टैपेटम. इन तीनों लेयर का काम है प्रोटेक्शन. और चौथा लेयर जो टैपेटम है उसका, इस चौथे लेयर के टैपेटम में दो लेयर हैं, या दो टाइप के सेल है, कुछ भी बोल सकते हैं, दो तरह के टैपेटम या टू टाइप ऑफ
टैपटम भी कर सकते हैं। तो एक हुआ एमीबॉय टैपटम, दूसरा सेक्रेटरी टैपटम। सेक्रेटरी टैपटम क्या करता है? सिक्रीशन का काम करता है। तो क्या क्या सिक्रीट करता है? तो टैपटम है कहाँ? तो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल का लेयर है। और ये क्या सिक्रीट करता है? तो ये जो सेक्रेटरी टैपटम है सिक्रीट करेगा स्पोरोपोलेनिन, एक केमिकल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ये सिक्रीट करता है, पॉलन किट को बनाता है। पॉलन किट एक ऐसा केमिकल है जो किसी इंसेक्ट वगैरह को अपने पास बुला के चिपका लेता है। तो ये हुआ दूसरा यूविस बॉडी। यूविस बॉडी जो है वह यही यूविस बॉडी जो है स्पोरोपोलेनिन को अपने पास जमा करेगा। तो ये सब अभी आगे भी आएंगे, पॉलन ग्रेन स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मेन यहीं पर आप समझ लीजिए ये बातों को। तो यहाँ तक की बातें कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को हम लोग देखेंगे, यानी पॉलन ग्रेन को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक में आपको कोई डाउट है तो फिर आप पूछ लेना, पहले ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फ्लावर, स्टामेन, स्टामेन के दो पात, एंथर फिलामेंट और एंथर, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, उसमें चार चैम्बर हैं और वही चैम्बर जो है वो पॉलन सैक कहलाता है, या उसी को आगे जाके माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं पॉलन सैक को ही कहीं कहीं डायरेक्ट माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, या फिर आगे जाके माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है, यानी पॉलन सैक मैच्योर होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के चार लेयर होते हैं जिसे चार वॉल, यानी एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ओके, ठीक है, थैंक यू।